हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नूर। आज मैं आप लोग को हेयर कटअप कैसे करते हैं फोटोशॉप सीसी में, वो सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ये फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं ये जो फोटो दिख रहा है उसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली कटअप करके दिखाने वाला हूँ। सो आप लोग को ये दिख रहा है ना, जो इसका कॉपी ले लिया हम लोग कंट्रोल जे करके। उसके बाद हम लोग पेन टूल का यूज करके थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसका बॉडी कटअप कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उसके बाद हम लोग को हेयर को पेन टूल से कटअप नहीं करना है। सो उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड छोड़ के बाहर एरिया से, आउट ऑफ एरिया से ले लेते हैं थोड़ा सा। देख के आप लोग को जितना सिंपल लगता है ईजी, जितना गैप रखेंगे उतना आप लोग को बेनिफिट मिलेगा और कटअप करने का टाइम पे इजी होगा। सो एक्चुअली ये हो चुका है। सो सिलेक्शन ठीक से कर लीजिएगा, आपको जैसे बेटर लगता है। सो उसके बाद हम लोग कंट्रोल इंटर प्रेस करके ये सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करके हम लोग एक लेयर लेंगे, उसके बाद वो फर्स्ट लेयर को हाइड कर देंगे। सो उसके बाद देख लीजिए, अब हम लोग का मेन काम शुरू हो रहा है। यूज द बैकग्राउंड इलिजर टूल, देन तीन टूल्स दिख रहा है, उसमें से सेंटर वाला को यूज करना है, डिश डायगोनिसिस में डालना है। सो उसके बाद हम लोग को ओपासिटी भी चेक करना है। एक्चुअली ओपासिटी जो रहता है मैं इसमें 50 तक रख रहा हूँ। एक्चुअली 50 में भी सिलेक्शन ठीक से नहीं हुआ तो आप लोग देख लें। और जो एक जगह पे प्रेस करना है और की को होल्ड करना है, एक्चुअली ऑपासिटी भी चेक कर लिया जाएगा कितना तक ठीक रहेगा। सो हम लोग को एक ही बैकग्राउंड में क्लिक करके होल्ड करना है, की माउस को होल्ड करके पेंट करना है, सिर्फ पेंट करना है। देख लीजिए पेंट करना है, इजी हुए, टेक अ टाइम बट सिलेक्शन ठीक से होना चाहिए। एक्चुअली मैं दिखाऊंगा अभी कैसा सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिए। तो ये पूरा बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया है। एक्चुअली दिखने में अच्छा दिख रहा है बट उसका जो बैकग्राउंड पीछे का दिख रहा है जो, वो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता है। सो एक्चुअली हम लोग अब एक काम करेंगे, अब इसको एक चेक करने के लिए ठीक हुआ है या नहीं, एक सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेंगे एक लेयर के साथ। उसके बाद कोई भी एक बैकग्राउंड चूज करके, मैं ग्रीन चूज कर रहा हूँ। सो उसको पीछे डाल के चेक करेंगे। देखिए ये जो व्हाइट एरिया है ना, वो थोड़ा सा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो इसके लिए हम लोग फिर से वही बैकग्राउंड इलेजर टूल यूज करेंगे। जस्ट क्लिक एक बार में जिधर व्हाइट है उसको क्लिक करना है, सिर्फ उधर क्लिक करने के बाद हम लोग को सेम पहले जैसे किया था वैसा ही करना है। एक्चुअली बैकग्राउंड के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। सो एक बार चेक कर लीजिए किधर किधर है व्हाइट, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मैं थोड़ा थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कंट्रोल जे करके बैक ले सकते हैं। सो एक्चुअली सिलेक्शन तो हो रहा है, आप लोग देख लीजिए किधर किधर है। एक्चुअली मेरे को पता है किधर किधर नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। आप बैकग्राउंड के साथ इलेजर टूल भी यूज कर सकते हैं। सो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए अभी सिलेक्शन तो हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा वाइट बचा हुआ है। सो उसके लिए भी हम लोग करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा अच्छा दिखने लग गया है। सो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइट कलर को जो दिख रहा है उसको रिमूव करना पड़ेगा। सेम बैकग्राउंड इलेजर टूल भी यूज कर सकते हैं, इलेजर टूल भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगा बैकग्राउंड इलेजर टूल ही यूज कर लीजिए। ब्रश का साइज भी थोड़ा सा बड़ा लीजिए, क्योंकि ब्रश जितना बड़ा रहेगा काम करने के लिए उतना इजी रहेगा। एक्चुअली जहाँ पे व्हाइट व्हाइट है वहाँ पे
आप प्रेस करके ब्रश कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक से करना है, कुछ भी काम करने का टाइम पे ठीक से करना है, एक ही काम करना है बट ठीक से करना है। देख लीजिए अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, एक्चुअली ये तो ग्रीन में हम लोग ने रिमूव कर लिया है। एक्चुअली आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये ठीक से रिमूव हुआ है नहीं, थोड़ा ब्राइट कलर्स थोड़ा डार्क कलर्स में भी यूज करके देख लीजिए डबल क्लिक करके उसमें। सो एक्चुअली देखिए अभी कलर चेंज करके देख लीजिए, बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है या फिर कटअप में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो इसके बाद मैं ब्लू ले रहा हूँ, ब्लू में भी देखिए थोड़ा सा इधर वाइट रह गया है। सो इसको भी हम लोग इलेजर टूल यूज कर लेते हैं अभी, लेट्स गो। इलेजर टूल देख लीजिए कैसे यूज करना है। सो हम लोग को ये बैकग्राउंड लेयर पे नहीं रखना है, हम लोग को कटअप लेयर पे रखना है। एक्चुअली इलेजर टूल यूज करने का टाइम पे सो हम लोग प्रेस कर रहे हैं, आपको जैसा एडजस्टमेंट लगता है, थोड़ा सा कट हो रहा है सो हम लोग थोड़ा सा इजीली कर रहे हैं। सो देखिए अभी ये हो गया है, सो फाइनली ये एक्चुअली डन तो हो चुका है, फिर भी आप लोग को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ ग्रीन बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड सॉलिड एडजस्टमेंट कलर में। सॉलिड एडजस्टमेंट कलर कैसे लेते हैं मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें अगर नहीं पता है तो उसमें जाके आप लोग एक बार देख लीजिए। सो देखिए ग्रीन बैकग्राउंड में भी अभी अच्छा ही दिख रहा है, देखो मैं लाइट डाल दिया है थोड़ा सा, एक्चुअली देखिए कैसा दिख रहा है अभी। सो पहले से